यार अब्दुल, अपने को एक छोकरी और उसके साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी की तलाश है। वो अपने को शेंडी लगा गया यार। नाम वाम तो सही पता नहीं, लेकिन उस आदमी की ठुड्डी में ऐसा ऐसा गड्ढा सा था। और वो लड़की जो थी ना, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल, और बात तो ऐसे करती थी। अम्मा छोड़ यार, इस वक्त तुझे लड़के की ब्यूटी याद आ रही, यहाँ 30,000 का फटका लग गया। 30,000 का? हाँ, वो छोकरी और उसका साथी सारा नाटक जमा कर 30,000 में चोरी की गाड़ी थमा गए अपने को। ये लफड़ा बांद्रा खाल के आसपास तो नहीं हुआ था? हाँ वही तो हुआ था। क्या तुम जानते हो उन दोनों को? ओ भाई, अरे बंद करिए बैंड बाजा, बताओ लोग कहाँ मिलेंगे। उनको तो ऐसा मजा चखाना है कि अरे बड़ा भाग आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैं शाम को चलूं। मशीन देख रहा है बड़ू, जानते हो क्या है? हाँ पब्लिक टेलीफोन है। हाँ उसमें नंबर लगा लो, लेकिन जब तक उस मशीन में पैसा नहीं डालो ना, आवाज दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तुम लोग क्या पूछ लो, बाप अपने को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये ले। अरे आप क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं जेब में अकेला बेचारा किससे बात करेगा। जिले लड़की का नाम है रेनू, वो आदमी उसके रिश्ते का चाचा है। अंकल दोनों मिलकर साला बांदर के मैसेज पांचबाजी करते रहते हैं। रेनू उसका अंकल? हाँ। ये दोनों मिलेंगे कहाँ? बादशाह अपना पूरा स्टोरी तो सुनो यार। अभी जिस दिन तुम्हारे भाई का बाड़ी झोपर मिला, तो दूसरे दिन अखे बंबई के पेपर में छपा पुलिस अफसर का मर्डर। हाँ छपा था तो? बस उसी दिन की बात है, अपना रघुनाथ गाड़ी चला रहा था और ये कुमार सिंह कोई तिवारी साहब के साथ पीछे बैठे था। दोनों तो बहुत दारू पी हुए थे, तो घेटली में दोनों तुम्हारे भाई के मर्डर की बात कर रहे थे। एक आदमी का नाम साथ में बहुत बार ले रहे थे, शाकल साहब करके कुछ ऐसा बोलते थे। ये पुलिस वाला क्या बेचता था, शाकल साहब किसी का भी छुट्टी कर सकता है, क्या समझे? और क्या कह रहे थे? पूरी बात ना रघुनाथ समझा नहीं सर। वो क्या है कि थोड़ा कुछ हिंदी में बात करते थे और थोड़ा इंग्लिश में, और इंग्लिश रघुनाथ समझता नहीं है, ये लफड़ा हो गया। नहीं, इस काम का अपन पैसा नहीं लेगा। रख ले यार। बादशाह अब्दुल को इतना हरकत समझता है क्या? अरे तुम्हारा भाई मरा ना, अपन को लगा कि अपना कोई सगे वाला मरा है। पॉकेट में रख ले, अपना अल्लाह देखता है बाप, ऐसा पैसा अपने पे हराम है क्या? और हाँ, वो हरकट कुमार साहब रोज रात को वीनस हेयर कटिंग सलून में शेव कराने को आता है क्या? वीनस हेयर कटिंग सलून? Thank you.
I'm going to go to the hospital.